विशाल सर देवयानी देखिए, ये भी वही क्यूएसआर वाले उसमें है, जुबिलेंट का कंपटीटर है, और पिज्जा हार्ट केएफसी और उस तरीके के सारे लाइसेंसेस इनके पास, प्लस क्रीम बेल आइसक्रीम इनका प्रोडक्ट। कैसा दिख रहा है सर अभी? अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, बहुत पुरानी नहीं है, 164-165 के आसपास चल रहा है, 165 रुपए के आसपास आज तो 3.5% उसमें वही मैं फॉर्मूला लगा के देख रहा था तो क्या बनता है। अगर हम लोग वीकली देखे और फर्स्ट वीक एक्शन देखे हम लोग स्पेसिफिकली देवयानी में, तो देवयानी का रेंज था 117 से 140, ठीक है, और अभी जब करेक्शन आया वो 140 पे रुक गया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी स्टडी वापस राइट प्रूव कर रहा है कि 141 में आके रुक गया है, और एक ट्रायंगल के जैसा पैटर्न इधर बन रहा है अगर मैं वीकली बेसिस पे जाऊं, जिसका ब्रेकआउट मोर और लेस ये वीक में आते हुए दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है देवयानी के हिसाब से, भी अपने हिसाब से जो अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है तो 148 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। एक बार मैं ब्रेकआउट वापस चेक कर लेता हूँ बिफोर आई गिव एनी कमेंट, तो अपने क्या कमेंट तो दे देते हैं। नहीं, ब्रेकआउट अभी क्लियर आया नहीं है। ओके, ब्रेकआउट का जो लेवल रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं 169 के ऊपर, 169-170 के ऊपर का ब्रेकआउट लेवल रहेगा। और अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो इसको हम लोग एक पोजिशनल व्यू से होल्ड कर सकते हैं, 197 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। डाउन साइड जो है कहीं ना कहीं 146 और 156, ये दोनों डाउन साइड के लेवल से जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस के हिसाब से ये लेवल्स को देख सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट के लिए अभी भी मेरे हिसाब से 5 रुपए का मूव इसमें पेंडिंग है, तो 5 रुपए का मूव खत्म होता है तो इसको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कीजिएगा। बहुत बढ़िया चार्ट है, और स्पेसिफिकली जब आईपीओ के वैल्यूएशन से घुमा हुआ है तो ये समझ में आ रहा है कि वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये राय विशाल सर की देवयानी पे।